अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तों, कुछ लोग सोशल मीडिया पर सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं और ऐसे ऐसे काम कर गुजरते हैं जिससे कि अल्लाह ताला का गज़ब नाजिल हो जाए। जबकि कुछ लोग तो फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेमस होने के लिए अपनी जान को भी ख़तरे में डाल देते हैं। एक शख्स कब्रिस्तान जाता है और कब्र के अंदर उतरकर वीडियो शूट करवाने लगता है। फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया और ख़ुद इसके भी होश ठिकाने आ गए। आपसे गुजारिश है कि वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली ये वीडियो इंडोनेशिया की बताई जा रही है। इस नौजवान को सोशल मीडिया पर फेमस होने का ऐसा भूत सवार हुआ कि वीडियो शूट करवाने के लिए कब्रिस्तान पहुंच गया और कब्र में उतरकर वीडियो शूट करवाने लगा। और वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये कब्र में लेटकर मुस्कुरा रहा है। इसके चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही है कि ये कब्र का मजाक बनाने की नीयत से वीडियो शूट करवा रहा था। इसे कब्र में लेटे हुए अभी कुछ ही देर हुआ था कि कब्र की एक साइड की दीवार उसके ऊपर गिर जाती है और ये उसके नीचे दब जाता है। बड़े अफसोस की बात है कि जिस कब्र के बारे में हुजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को यह तालीम दिया हो कि अजाब कब्र से अल्लाह की पनाह मांगो, आज उसी कब्र का मजाक बनाने के लिए वीडियो बनाकर अल्लाह के अजाब को दावत दी जा रही है। जैसा कि इस शख्स ने कब्र में उतरकर हंसते मुस्कुराते हुए वीडियो शूट करवाने की कोशिश किया तो अचानक ही उस पर अल्लाह की पकड़ आ गई और ये कब्र में दबकर रह गया। हालांकि उसे बाद में कब्र से निकाल लिया गया और उसकी जान बच गई। लेकिन दोस्तों, आप ख़ुद फैसला करें कि क्या इस तरह से दीन का मजाक बनाना और कब्र में उतरकर इस तरह से वीडियो शूट करवाना कहां तक दुरुस्त है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।